कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों और समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे चिन्हित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी हाँ, ये बयान दिया है कांग्रेस के नेता महेश जोशी ने। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे पास सारी खबरें हैं। सरकार के खिलाफ खुला षड्यंत्र रचकर विपक्ष के लोग विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि जयपुर में दिल्ली से बड़ा कैश पहुंचा है। इस षड्यंत्र में केंद्र और राज्य के सभी लोग शामिल हैं। विधायकों को खरीदने के लिए 35-35 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। लोगों के पास कैश ट्रांसफर भी हुआ है। बीजेपी मध्य प्रदेश जैसा खेल राजस्थान में भी खेलना चाहती है। सरकार का मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आलाकमान को भी जवाब देना होता है। रणनीति के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाया। राज्यसभा चुनाव आगे खिसकाए गए। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि डीटीपी के दोनों विधायक राम प्रसाद और राजकुमार भी गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित होटल पहुंचकर कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शामिल हुए। इससे पूर्व दोनों विधायक मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ ही रात को 9:30 बजे होटल पहुंचे। यहां उन्होंने सभी से मुलाकात की। तो वहीं इस सियासी पारे के बीच कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी जयपुर आ गए हैं। इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहां पर एक रुपए का सोना नहीं होगा। कोई पद का लालच नहीं, ना पैसे का लालच। ये इतिहास में कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। राजस्थान की धरती होता है इस बात का मुझे गर्व है। इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ जिस धरती में लाल ऐसे जो बिना सौदे के बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार। इधर सचिन पायलट ने कहा कि उम्मीद से अधिक मत मिलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि निर्दलीय विधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम राज्यसभा में चुनाव में उम्मीद से ज़्यादा मत हासिल करेंगे। हमारे दोनों उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। भाजपा वाले जानबूझकर माहौल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस में खींचतान का माहौल पैदा कर रहे हैं। राज्य में उपचुनाव विधानसभा चुनाव जीते और अब राज्यसभा में भी कांग्रेस जीत कराएगी। अलग अलग राज्यों में हो रहा है उसका अनुभव हम लोगों के पास है, लेकिन राजस्थान के अंदर जैसे गुजरात में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के, तो कोशिश हमेशा कोई ना कोई करता रहेगा, लेकिन राजस्थान में मैं समझता हूँ कि यहाँ के सब लोग बहुत निष्ठावान लोग हैं और हम लोगों ने प्रण लिया है कि सोनिया गांधी जी ने जब निर्णय लिया कि AICC के निर्णय के बाद दो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा भेजना है और हमारे खुद के दम पर पर्याप्त बहुमत है, पर हमारे पास जो निर्दलीय विधायक हैं वो समर्थन में हैं, घटक दल हमारे साथ हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया चुनाव होगा। जैसा मैंने पहले कहा